आज हम बनाने वाले हैं कैनवा का यूज करके YouTube के लिए एक अमेजिंग थंबनेल। सो बिल्कुल स्क्रैच से, एकदम ब्लैंक शीट से जो है हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि हम क्या क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक ले रही हूँ, मतलब जिस टॉपिक पर मैं थंबनेल बनाने वाली हूँ, वो मैं अपने ही यूट्यूब कोर्स के लिए बनाने वाली हूँ। सो अगर आपने अभी तक कंप्लीट यूट्यूब कोर्स WsCubeTech का नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख कर आप बन सकते हैं एक यूट्यूबर। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और यूट्यूब के लिए कैनवा पर बनाते हैं एक अमेजिंग थंबनेल। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो कैनवा का ये कंप्लीट कोर्स चल रहा है जहां पर हम बना रहे हैं कुछ अमेजिंग डिजाइन्स एंड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ अमेजिंग टिप्स दैट यू कैन यूज ऑन कैनवा। सो अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैनवा की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पर कैनवा से रिलेटेड सारे वीडियोस होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं कैनवा पर। तो ये हम कैनवा पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम जो है एक यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाएंगे और जिस वीडियो के लिए मैं थंबनेल बनाने वाली हूँ वो वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ। इट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, ठीक है, तो मैं वो आपके लिए एक बार शेयर कर देती हूँ। तो ये वो वीडियो है लाइक यूट्यूब कोर्स हाउ टू ग्रो योर चैनल फास्ट एंड मेक मनी। दिस इज अ कंप्लीट वीडियो ऑफ लाइक इन दिस वीडियो वी हैव लाइक कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ यूट्यूब। तो इसके लिए मैं एक थंबनेल बनाने वाली हूँ। ऑलरेडी इस पर ये वाला थंबनेल लगा हुआ है बट काफी टाइम हो गया, तो लेट्स ट्राई टू चेंज इट, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर मैं जो है ये कैनवा पर मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आई थिंक भले ही आप चाहे कोई थंबनेल बना रहे हो, कोई भी आप क्रिएटिव बना रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट इंस्पिरेशन, कि आपको इंस्पिरेशन जो है कितनी अच्छी आपको मिलती है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कैनवा पर यूट्यूब थंबनेल्स मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर काफ़ी सारे मुझे टेम्पलेट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या आपको जो है यहाँ पर आपको कुछ अमेजिंग इंस्पिरेशन मिल रही हैं। तो आप इनको देख सकते हो, जैसे ये कुछ अच्छे यहाँ पर थंबनेल्स आपको मिल जाएंगे, काफी सारे आपको प्रो में मिलेंगे। आप इन्हीं को ही पिक करके और यहाँ पर चेंजेस जो है कर सकते हो। जैसे ये वाले कंप्लीटली फ्री थंबनेल है, बट जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं एकदम स्क्रैच से आपको थंबनेल बनाना बताने वाली हूँ। अदरवाइज सिंपली आप किसी भी थंबनेल को उठाइए, अपना चैनल नेम यहाँ पर पुट कीजिए, इसको हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से कम्प्लीटली। सो यहाँ पर जैसे मैं अपना चैनल नेम ऐड कर देती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने WsCubeTech यहाँ पर ऐड कर दिया एंड हाउ टू बी योर ओन बॉस लिव हैप्पीली। सो अगर मैं यहाँ पर अपने ही, जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया जैसे हाउ टू, तो यहाँ पर मैंने बस कुछ भी नहीं किया एंड इस थंबनेल को मैंने उठाया और यहाँ पर जो है सिर्फ अपना टाइटल चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही एकदम इनिशियल लेवल पर हैं कैनवा के साथ और बहुत ज़्यादा अगर आपको आप डिजाइंस पर जो है एफर्ट्स नहीं डालना चाहते तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो अब मैंने जैसे यहाँ पर थोड़ी सी इंस्पिरेशन हमने ले ली है, तो अब हम जाएंगे हमारे डिजाइन की तरफ। तो अब मैं यहाँ पर अपना क्रिएट डिजाइन ले रही हूँ, तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है यूट्यूब थंबनेल। तो यूट्यूब थंबनेल जो है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ, इट्स ऑलवेज 1280x720 पिक्सल्स, ठीक है। तो हमेशा यही साइज जो है आपको थंबनेल के लिए चूज करना है। कई लोग 1920x1080 भी ट्राई करते हैं बट वो नहीं है ऑफिशियल यूट्यूब के थंबनेल का साइज, तो आपको याद रखना है इट्स ऑलवेज 1280x720, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक शीट है जो YouTube थंबनेल के लिए हम रेडी कर रहे हैं वो हमने ले ली है। अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक थोड़ा डार्क कलर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी मैं यहाँ पर जो मेरा प्लान है, आई एम गोइंग टू अपलोड इमेज, ठीक है। तो ये जैसे मैंने इमेज जो है ये डाउनलोड कर ली थी पहले से ही, लाइक दिस पर्टिकुलर पिक्चर। तो जैसे ये इमेज जो है मैंने यहाँ पर ले ली थी, आप देख सकते हो। तो इसमें देयर इज अ वुमन हु इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग, और तो स्टार्टिंग मैं इससे करने वाली हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने इस वुमन को पेस्ट कर दिया है। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये जो गोल्डन बटन एंड जो सिल्वर बटन होते हैं, जो यूट्यूब के जो अचीवमेंट बटन होते हैं, मैंने उनकी इमेज एक डाउनलोड कर ली थी, तो उसको भी मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। लेट मी एडजस्ट इट, और फिर ये वाली जो इमेज है इसकी पोजिशनिंग को मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक बार मैं रैंडम जो सब हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर ले रही हूँ, फिर हम फॉन्ट वगैरह जो है डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर दो
सब हेडिंग इस तरह से ले ली है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है दैट ग्रो योर चैनल एंड मेक मनी ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो अब इसी को ही हम जो है एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ना कुछ एलिमेंट लगाने वाली हूँ, जैसे कि ये मैंने ट्राइंगल यहाँ पर ले लिया है, ये थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देता है। तो इस तरीके से मैंने जहां जहां पर ये जो वुमेन है ये पॉइंट आउट कर रही है वहां तक मैं जो है ये वाला आर्टिकल ले रही हूँ, और इसकी यहाँ से हम जो है पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन मैं इसको बैकवर्ड कर रही हूँ जिससे कि इस तरह से आ जाए। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेट्स से इसका हम वाइट कर देते हैं, सो दैट ये वाला जो एलिमेंट है ये थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे यहाँ पर भी एक शेप को ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आर सेलेक्ट कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में भी बताया था, आर से आपका रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल यहाँ पर आ चुका है, मैं इसको इस तरीके से सिर्फ इसी के ऊपर डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, और इसकी भी जो पोजिशनिंग है वो अपन कर देते हैं बैकवर्ड सबसे लास्ट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ओके। इसके अलावा इसमें ये जो ऑन लिखा हुआ है ये वाइट था पहले, तो इसका भी कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार ये जो पीछे वाला एलिमेंट है इसको सेलेक्ट करके मैं इसका जो ये है एक बार वाइट करके देख लेती हूँ कलर कि कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं आप कुछ वाइट इस तरीके से लगता है, तो आई विल गो विथ वाइट। अब मैं यहाँ पर ये जो हमारे जो जो हमने लगाए थे इनको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ एज पर द पिक्चर, ठीक है। एंड इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगाऊंगी, तो देखते हैं मुझे क्या मिल पाता है। सबसे पहले यूट्यूब लोगो, ठीक है। तो यूट्यूब लोगो मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले यूट्यूब का लोगो आ गया, तो मैं इनमें से ये वाला लोगो जो है ये लेने वाली हूँ यहाँ पर। एंड इसको हम जो है कुछ यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने यूट्यूब लोगो लिया था ये मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बटन्स ले लिए, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी। एंड लेट्स सी और क्या हम ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में ये मैं एक इंक्रीजिंग वाली जो शेप है ये मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, तो अब मैं यहाँ पर जैसे ये मैं एक डेटा का एलिमेंट लगा रही हूँ, मैं थोड़ा सा एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो लेट्स से जैसे ये हमारी एक जेफ है, तो मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। एंड फोटोज में ही हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो मैं यहीं से ही कुछ यहाँ पर लेना चाहूंगी। तो एक काम करते हैं हम, तो ये मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट ले लिया है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स कर देती हूँ टू एड सम ग्राफिक। अब मैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इस पर मुझे ये दो एलिमेंट्स बहुत अच्छे मिले, तो मैं अब क्या कर रही हूँ इन दोनों एलिमेंट्स को इस ग्रो योर चैनल के इधर साइड में लगा रही हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर लग रहा है, और इसको भी मैं मेक मनी को भी मैं यहाँ कर देती हूँ जैसे। और इन केस आपके माइंड में आए तो ये जो एलिमेंट्स वगैरह जो मैंने लिए हैं वो मैंने जैसे ये वाला मैंने जैसे थंबनेल उठा लिया, इस थंबनेल में जैसे ये सारे एलिमेंट्स आए हुए हैं, तो इन एलिमेंट को आप कॉपी करके यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर पेड भी कोई थंबनेल है यानी प्रो वर्जन का भी, उसमें से आप एटलीस्ट एलिमेंट तो कॉपी कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा रेडी कर लिया है। एंड अभी ये मुझे बस ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा जो भी आपको कमी लग रही है ना, लाइक जैसे इस तरीके का यहाँ पर जैसे थोड़ा सा ये स्पेस एम्प्टी है, तो मैं आप क्या कर रही हूँ शिफ्ट के थ्रू ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना मेरे, इन सबको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखो ये मैंने शिफ्ट क्लिक करके रखा है, और जो जो एलिमेंट मुझे चाहिए ना उसको मैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इसको अब जो है हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा थंबनेल है ये ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक छोटी सी कमी रह गई है, वो है WS CubeTech का लोगो, ठीक है। तो लोगो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, ठीक है। सो वो मैं यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा एलिमेंट को साइड में करके, और यहाँ पर मैं जो है WS CubeTech का लोगो लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर WS CubeTech का लोगो लगा दिया है, एंड ऑलमोस्ट मेरा जो ये थंबनेल है YouTube कोर्स के लिए वो रेडी है। तो इसमें अगर आपको लगता है कोई छोटे मोटे चेंजेस होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड मैं उन सारे कमेंट्स को देखकर इसको मैं थोड़े से जो भी अगर मुझे लगे कि एडिटिंग मैं करके, और जरूर इसको अपनी वीडियो पर जो मेरा थंबनेल ऑलरेडी है उसको मैं चेंज कर दूंगी। सो कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS CubeTech चैनल, और साथ ही मुझे बताइए कैसी लगी आपकी वीडियो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।